का इंट बल हम ऐसी घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं जहां बाइबल पूरी तरह से बैन हो जाएगी और सुसमाचार का प्रचार करना एक अपराध बन जाएगा और क्रिश्चियनिटी को ही पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और अगर कोई बात करता है बाइबल के बारे में, मसीह यीशु के बारे में, तो उन्हें अपराधी ठहराकर उन्हें सजाए मौत के लिए ले लिया जाएगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई, ये तो बस एक दो हैं, इतनी हर दिन पता नहीं कितनी आती हैं और कहां कहां से आती हैं। झारखंड, एमपी, यूपी, बिहार और ऐसे पता नहीं कहां कहां से, यहां तक कि पंजाब से भी कई ऐसे फुटेजेस भी सामने आए हैं जहां पर चर्चेस के ऊपर, मसीहों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर अटैक किया गया है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मसीहों के ऊपर सताव है, मसीहों को मार डालना, पास्टर्स के ऊपर अटैक करना, अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसमें कमी नहीं हो रही है, वरन ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आने वाले कुछ समय में ये और ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ने वाला है, यानी इसकी तादाद बहुत होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियन होना एक जुर्म हो जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब सिर्फ ये तो मैं इंडिया की कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। हम जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान में मसीहों का क्या हाल है, कैसे मसीहों को अटैक किया जाता है, कैसे चर्चेस को जला दिया जाता है। सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे देशों में मसीहों के साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है। अब ये तो बात रही वो देश जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, या तो वो मुस्लिम देश हैं या वो हिंदू देश हैं, हम इनकी बात अगर छोड़ें। अगर हम बात करें क्रिश्चियन देशों की भी, जैसे मैं ऑलरेडी कई बार आपके सामने रख चुका हूं कि कैसे कनाडा में भी मसीह विरोधी जो आइडियोलॉजी है उसे प्रमोट किया जा रहा है, मसीहों का विरोध किया जा रहा है। कनाडा जैसे देश में भी मसीहत का विरोध हो रहा है। एक औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है, बस वो खड़ी होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही है, इस कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, चर्चेस को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका जैसा देश जिनके कोर बिलीफ ही क्रिश्चियनिटी से निकलते हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, वहां पर भी अब एक कानून पास हुआ है जिसका नाम है HR 6090। ये एक ऐसा एक्ट है जहां पर बाइबल को बैन कर देने की बात हुई है। अब ये जो कानून पास हुआ है, इसकी इंट्रोडक्शन कराई गई थी ताकि अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म को रोका जाए। अब ये एंटी सेमिटिज्म क्या है? यहूदियों के खिलाफ नफरत, कि उसे रोका जाए। इस कारण इस कानून को लेकर आए थे। अब इसी बिल में एक फ्रेज एंटर कर दी गई है कि ये एक जुर्म हो जाएगा, अपराध हो जाएगा ये बात कहना। कौन सी बात है? कि फरीसियों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था या यीशु को यहूदियों ने मारा, आप ये नहीं कह पाएंगे। अब आप कहेंगे कि वेल इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत यह है कि बाइबल का इनकार हो रहा है। बाइबल में जो क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है, आप वो कहने से मना कर रहे हो। अब जैसे ही ये बिल पास होता है अमेरिका में, तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। एक तरफ वो लोग जो इस कानून की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था, और वहीं दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बिल को यूज़ किया जाएगा मसीहों के मुँह को बंद करने के लिए, सुसमाचार को रोकने के लिए। Now, as a Christians, हम जो मसीही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी कैसे ये जो परसिक्यूशन है, स्ताव है मसीहों के ऊपर, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पास्टर्स को, क्रिश्चियंस को, मिशनरीज को कैसे दिन प्रतिदिन शट डाउन कर दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ तक कि चर्च में एंटर होकर भी चर्च की जो वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है, संगति को ख़त्म कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। अब जब हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर कैसे रिएक्शन करना चाहिए? वट शुड वी बी थिंकिंग ऑफ दिस ऑल? वेल, तो जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं, जैसे कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमने वीडियो भी डाली थी यूट्यूब के ऊपर, पहली और दूसरी तीसरी सदी में जो मसीहों के प्रस्ताव आ रहा था उसके बारे में। तो जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं, तो हम उठाकर देखते हैं स्पेशली जब नीरो हुकूमत पर था, रोम का एम्परर नीरो जब हुकूमत पर था, तो हम जानते हैं कि मसीहों के हालात उस वक्त में कैसे थे। क्रिश्चियन होना उस वक्त भी अपराध था, यीशु का नाम लेना अपराध था, और इसके कारण अगर कोई पकड़ा भी जाता था जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता था, तो उन्हें सताया जाता था, उन्हें मारा जाता था, बहुत कुछ होता था उनके साथ। तो अब सवाल यह है कि क्या वही समय अब फिर से आ रहा है? क्या वही सारे हालात अब फिर से मसीहों के सामने आ खड़े हुए हैं? तो वेल, मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानते हैं मसीह यीशु जब वो इस दुनिया में थे, जब वो इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में आए, तो उन्हें भी सताव का सामना करना पड़ा, उन्हें भी त्याग दिया गया, उन्हें भी धोखा दिया गया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा सताया गया। यहूदी लोगों ने, उस वक्त के जो धर्मी गुरु थे, उन्होंने मसीह यीशु को मारने के लिए षड्यंत्र रचे, और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर भी चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो संसार में तो थे लेकिन संसार के नहीं थे। यस, प्रभु यीशु संसार में तो थे पर वो संसार के नहीं थे। अब ये सब कुछ जानने के बाद कि मसीह यीशु के साथ क्या हुआ और फिर उसके चेलों के साथ क्या हुआ, क्या हमें हैरान हो जाना चाहिए? क्या ये बात हमारे लिए हैरानी की होगी कि अगर एक दिन हमारे साथ भी, हम जो मसीह यीशु के अनुयायी हैं, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, कि एक दिन हमारे ऊपर भी वो सेम सताव आता है जो मसीह यीशु के ऊपर आया, जो पहली, दूसरी, तीसरी सदी के मसीहों के ऊपर आया? देखिए, प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं कि पवित्र बाइबल में ये ऑलरेडी लिखा गया है, ये भविष्यवाणियां हुई हैं कि अंतिम दिनों में मसीहों के ऊपर सताव आएगा, क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। ये बाइबल में बार बार दोहराया गया है। मसीह यीशु ने यह कहा, उसके चेलों ने यह कहा, और अंतिम किताब बाइबल की, भविष्यवाणियों की किताब प्रकाशित वाक्य में, उस आखिरी किताब में भी बार बार भविष्यवाणियां हुई कि तुम्हें क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। सुने प्रभु यीशु ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा था। ये अंतिम दिनों की बात हो रही थी। प्रभु ने कहा कि तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। प्रभु यीशु किन से बात कर रहे थे? अपने चेलों से जो उसके पीछे चल रहे हैं। आई मीन द क्रिश्चियंस। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले क्रिश्चियंस। प्रभु यीशु उन्हें कह रहे हैं कि वह तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, क्योंकि तुम क्रिश्चियंस हो, तो मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। याद रखें, सारी जातियों के लोग, एक भी जाति नहीं रहेगी जो मसीहों की सपोर्ट में खड़ी होगी, सब जातियों के लोग। और ये प्रभु यीशु की खुद की भविष्यवाणी है। अब ये जो मैसेज है, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये आपको चिंता में लेकर जाने के लिए नहीं है, आपको डराने के लिए नहीं है, वरन ये याद दिलाने के लिए, ये बात को हाईलाइट करने के लिए है कि वाकई में बाइबल में जो लिखा था वो पूरा हो रहा है। बाइबल की बातें सच्ची हैं, और ये हमें तैयार करने के लिए है कि हम सतर्क रहें, हम तैयार रहें। दैट वी मे बी अवेयर एंड प्रिपेयर। क्योंकि सुने, अगर बाइबल ने जो कहा है कि पूरा होगा, और अगर वो सब चीजें पूरी हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, तो फिर हमें डरने की जरूरत क्या है? Why should we be afraid or be alarmed at all? भजन संहिता 34:19 में लिखा है, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। वचन कह रहा है कि विपत्तियां पड़ती हैं, ये नहीं कह रहा है कि शायद पढ़ सकती हैं या पढ़ेंगी ही नहीं, जैसे कई आज प्रोस्पेरिटी प्रचारक सिखाते हैं कि धर्मी के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। वचन की बात मानो, किसी इंसान की नहीं, किसी इंसान की नहीं, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा हो, चाहे उसका चर्च कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी मिनिस्ट्री कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, किसी इंसान की बात मत मानो, बाइबल की बात को मानो। बाइबल क्या कहती है वो मानो, प्रभु यीशु क्या कहते हैं वो मानो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने क्या लिखा उसे मानो। ये वचन कह रहा है कि धर्मी के ऊपर, धर्मी जो राइचस है, उसके ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, निकाल देता है, आजाद करता है। मतलब कि धर्मी विपत्तियों में जाते हैं, लेकिन निकाल भी लिए जाते हैं, खुदा ने निकाल भी देता है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों में वो डालता ही नहीं है, विपत्ति आने से पहले वो बचा लेता है। वचन कह रहा है कि विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु प्रभु उन्हें निकाल लेता है, आजाद कर देता है, मुक्त कर देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वचन है बड़ा ही खूबसूरत वचन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस वचन को हम नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये बड़ा ऐसा वचन है जिसे हमें याद रखना चाहिए, हमेशा हमारे फोर फ्रंट पर, हमारे माथों के ऊपर रहना चाहिए। तो जो भी लोग पवित्र ठहराए गए हैं, धर्मी बनाए गए हैं, या जो लोग भी मसीही हैं, हमारे साथ वायदा नहीं किया गया है। यस, वी हैव नॉट बीन प्रॉमिस्ड कि हमारे सामने एक ट्रबल फ्री कि जिसमें कोई विपत्ति नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, ऐसी जिंदगी हमारे साथ वायदा नहीं करी गई है। पूरी बाइबल को आप उठाकर देख लो, स्पेशली मैं कहूँगा कि नए नियम को उठाकर पढ़े। हमारे साथ ये वायदा नहीं किया गया है कि हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां पर सिर्फ सुख ही सुख है, आराम ही आराम है, कंफर्ट ही कंफर्ट है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। नहीं, ऐसी जिंदगी का धर्मी के साथ, मसीहों के साथ, चुने हुए के साथ वायदा नहीं किया गया है। अब ये जो हार्डशिप्स हैं, या मुश्किलें हैं, या क्लेश हैं, या परेशानियाँ, विपत्तियाँ हैं, ये किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, कैसी भी आ सकती हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम इस शरीर में हैं, तो हमारे सामने ये विपत्तियाँ, ये मुश्किलें, ये पीड़ाएँ, ये कष्ट आते रहेंगे, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और स्पेशली जो मसीही हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें शायद इन चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़े। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु ने ये कहा है, और जो प्रभु यीशु ने कहा है मैं कभी भी उसे छिपा नहीं सकता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं। जो बात प्रभु यीशु ने कही है होगी, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं ये नहीं होगी। प्रभु यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 15:18 में। ऑलरेडी हम 24 में पढ़ कर आए मत्ती में, अब हम यूहन्ना 15:18 में भी देखते हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। प्रभु कह रहे हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, नफरत करता है। वचन 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर तुम इस संसार के होते, संसार के साथ शामिल होते, उनके कामों, उनकी बातों के साथ समझौता करते, तो यस, ये संसार तुमसे प्यार करता। परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं हो, इस कारण है कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार तुमसे बैर रखता है। और मैंने कहा जो बात प्रभु यीशु कह रहे हैं कि होंगी मसीहों के साथ, तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, जोएल ऑस्टीन जैसे झूठे प्रचारक कह सकते हैं कि नहीं, अगर तुम कहोगे कि मेरे लिए अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जो बात प्रभु यीशु कह रहे होंगी, हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आगे इस वचन में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। मसीह यीशु हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं। वो हमारा गुरु है, हम उसके चेले हैं। वो हमारा मास्टर है, हम उसके दास हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो दास है वो अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसको याद रखो कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात को माना तो तुम्हारी को भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। नो, ये सब कुछ देखने के बाद सवाल फिर से ये है कि हम कैसे इन सब का सामना करें। हम कैसे सामना करेंगे जब संसार हमसे नफरत करता है? हम कैसे सामना करेंगे जब संसार हमें क्लेश देता है, सताता है, परसिक्यूट करता है? तो हम बाइबल की तरफ ही जा सकते हैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। बाइबल ही हमारी फाउंडेशन है और बाइबल में ही हमारे सारे सवालों के जवाब हैं। तो वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 4:12, 13, 14, 15 और 16 को पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो, हैरान मत हो जाओ कि कोई अनोखी बड़ी अजीब बात तुम्हारे ऊपर बीत रही है, कि ऐसी बात तुम्हारे ऊपर हो रही है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, या ऐसी चीज जो आपकी उम्मीदों से परे हो रही है। पतरस कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा समझकर हैरान मत हो जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ अनोखा हो रहा है। वचन 13, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वचन 14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। वचन 15, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, ये वचनों में कह रहा है। वो इंसान जो खुद भी मसीह यीशु की तरह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हालांकि उसने मना कर दिया कि मैं एग्जैक्ट उसी तरह के क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ूंगा जैसे मेरा मसीहा चढ़ा था, मुझे उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। वो जो क्रूस के ऊपर खुद चढ़ने के लिए तैयार था, वो पतरस खुद लिख रहा है कि ये बातें जब तुम्हारे ऊपर होती है, ये दुख जब तुम्हारे ऊपर आते हैं, तो इन चीज़ों के कारण परमेश्वर की महिमा करो। क्यों परमेश्वर की महिमा करो? कि तुम्हें मसीह के दुखों में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है, मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जब मसीह यीशु के नाम के कारण, जब आपके विश्वास के कारण आपको सताया जाता है, आपको लज्जित किया जाता है, यहाँ तक कि आपको मारा जाता है, तो वचन की तरफ आएं, वचन से तसल्ली को पाएं, वचन से इंकरेजमेंट को पाएं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम धन्य हो क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करती है तो तुम इन चीज़ों को सह सकते हो। तो विश्वास में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको भी और अपने आप को भी वचनों से इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे ये वचन हमें सिखा रहे हैं। जब आपके ऊपर ये समस्याएं आ रही हैं, ये क्लेश आ रहे हैं, ये सताव आ रहा है, या आएगा आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों के कारण वचन कहता है कि तुम आनंदित होना। आनंदित क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जैसे ये वचन 13 कहता है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जब तुम मसीह के दुखों में पार्टनर हो रहे हो मसीह यीशु के, तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो, कि जिसके कारण जब वो महिमा में प्रकट होगा तब तुम आनंदित और मगन होगे। इस कारण अब भी आनंद करो, मगन हो, क्योंकि तुम मसीह के दुखों के साथ एक हो रहे हो, सहभागी हो रहे हो, पार्टनर हो रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल का प्रॉमिस, बाइबल का वायदा हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है। ऐसा वायदा जो पूरी दुनिया में किसी के साथ भी नहीं किया गया है, जो मेरे साथ है, जो आपके साथ है, और जितने भी मसीह यीशु के पीछे चलने वाले सच्चे वफादार लोग हैं उनके साथ है। वचन जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी, और फिर भजन संहिता से जो हम पढ़कर आए कि धर्मी पर विपत्तियाँ बहुत आती हैं, धर्मी के ऊपर विपत्तियाँ तो बहुत पड़ती हैं, परंतु प्रभु यहोवा उन्हें इन सब से निकाल देता है, मुक्त कर देता है, उन्हें फिर आनंदित कर देता है, आज़ाद कर देता है। तो जैसे कि हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं और अपने आसपास देख रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को देखकर चिंतित होने के बजाय, निराश होने के बजाय, डर जाने के बजाय, हमें ज़रूरत है मसीह यीशु के और करीब आने की। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की हेल्प की। हमें ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा के मसा को अपनी ज़िंदगी के ऊपर और बहुतायत से मांगे। यस, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा जो कि पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा कि हम इन भयानक दिनों का, इन खतरनाक दिनों का, इन अंतिम मुश्किल दिनों का सामना करने पाए। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइटनड, मैं जैसे कह रहा हूँ कि डरने के बजाय, चिंता करने के बजाय, आइए हम पवित्र आत्मा की तरफ आएँ। और जैसे लूका रचित समाचार 21 में लिखा है कि जब तुम इन चीज़ों को करीब आते हुए देखो, इन बातों को घटते हुए देखो, तो अपनी आंखें आकाश की ओर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नज़दीक है, तुम्हारी नजात नज़दीक है, क्योंकि तुम्हारे के लिए और मेरे के लिए उम्मीद है। ओके, प्लीज़ इस मैसेज को जरूर अपने तमाम भाई बहनों के साथ, विश्वासियों के साथ, चर्चेस के साथ, ग्रुप्स में, हर जगह प्लीज़ जरूर शेयर करें, क्योंकि इन दिनों में ऐसे संदेश की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों के लिए भी जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस जो इनकार करते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, मुश्किल हालात, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, क्लेश, उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ेगी इन पवित्र वचनों की तसल्ली की, इन पवित्र वचनों की सामर्थ की, जो वचन ऑलरेडी हमारे साथ किए, जो वायदे प्रभु यीशु ने किए, इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन अंतिम दिनों में, इन मुश्किल समयों में। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।